हेलो और स्वागत है आपका स्पाइस बॉक्स में। आलू को हम बना सकते हैं बहुत तरीकों से, लेकिन एक ऐसी लोकप्रिय डिश है चीजी पोटैटो बेक। पोटैटो बेक की खोज ओरिजिनली फ्रांस में हुई थी लगभग 17वीं सदी में। जो क्लासिक फ्रेंच पद्धति है उसमें पैन में बहुत सारे लहसुन को रख के और उसको बटर में कोट करके फिर पकाते हैं। आजकल ये व्यंजन बनाया जाता है अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से। चीजी पोटैटो बेक बनाने के लिए चाहिए स्लाइस किया आलू, कसा हुआ चीज, थोड़ा क्रीम, मक्खन, नमक और काली मिर्च। तो यहाँ है चिकनी की हुई डिश। अब इसमें रखना शुरू करेंगे आलू की स्लाइस, उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा चीज, थोड़ा सा मक्खन, अब वापस हम लेंगे आलू स्लाइस और रखेंगे फिर से और उसके ऊपर फिर से डालेंगे थोड़ा सा कसा हुआ चीज, डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, ये प्रोसेस वापस करेंगे जब तक कि हमारी डिश पूरी हो जाए। अब इसे बाजू पर रखकर हम बनाएंगे हमारी टॉपिंग। तो पहले मैं डालूंगी थोड़ा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ा क्रीम। अच्छे से इन सबको मिलाइए। मिश्रण अब तैयार है। अब ये टॉपिंग हम आलू पे डाल सकते हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए डालेंगे थोड़ा चीज और सबसे अंत में डालूंगी थोड़ी काली मिर्च। तो मेरी चीजी पोटैटो डिश तैयार है बेक होने के लिए 180 डिग्रीज पे लगभग 40 मिनटों के लिए। ये सॉसी साइड डिश उसकी कंफर्टिंग फ्लेवर के साथ बहुत ही अच्छा लगता है कोई भी मिड डिश के साथ, स्पेशली मीट लोफ के साथ। चीजी पोटैटो बेक है एक ऑस्ट्रेलियन फेवरेट जो है बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में बहुत आसान। तो जाइए और अपनी नेक्स्ट हॉलीडे गैदरिंग के लिए इसे जरूर बनाइए।